आप लोगों ने अगर अपनी परीक्षा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने पेपर देखे होंगे उठा के, तो आप लोगों को मालूम होगा कि आपकी परीक्षा में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि विश्व बैंक आपके जो इंडेक्स, जो सूचकांक जारी करती है, उनसे भी हमेशा आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, जिसमें आप लोग यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या फिर आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, और आपके बनडे एग्जाम में तो आप देखिए इससे कई तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना भी रहती है और आए भी हैं। अभी हाल में विश्व बैंक यानी कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपने देखा है कुछ समय पहले से इस पर विवाद खड़ा हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरह से विश्व बैंक ने एक फैसला लिया है। वो फैसला क्या है? विश्व बैंक ने कह रहा है कि आपने देखा है 2019 तक ये आंकड़े जारी किए गए थे, उसके बाद से ये आंकड़े भी जारी नहीं किए गए। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के वर्ष 2018 और 20 के संस्करणों यानी कि क्रमशः 17 और 18 में जारी में बैंक कर्मचारियों के नैतिक मामलों से संबंधित डेटा अनियमितताओं की जांच करने के बाद इसके प्रकाशन को बंद कर देगा। यानी कि अब इसके बाद इस जो भी इसके डेटा रहते थे, जो भी इसकी रिपोर्ट आती थी, उसका प्रकाशन नहीं करेगा। और यह व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नई दृष्टिकोण पर कार्य करेगा। अब क्या किस तरह से करता है ये तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। और बात अगर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें, तो इस रिपोर्ट को आप देखेंगे पहली बार 2003 में जारी किया गया था ताकि व्यापार नियमों के उद्देश्यों और उपायों का आकलन किया जा सके और 190 अर्थव्यवस्थाओं के जीवन चक्र और उनके अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को प्रभावित करने वाले 10 मापदंडों के आधार पर मापा जा सके। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके जो भी इसमें आंकड़े लिए जाते थे 10 मापदंडों को ध्यान में रखा जाता था। और इस रिपोर्ट में मानकों में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत उपलब्धता, संपत्ति पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान, सीमा पार व्यापार, अनुबंध परिवर्तन और दिवाला समाधान शामिल था। ये आपके 10 फैक्टर इसमें शामिल किए गए थे जिनमें आप लोग देख सकते हैं। और आपकी सिविल सर्विस में क्वेश्चंस किस तरह से आ जाते हैं, आपको नीचे दे देगा, आपसे पूछ लेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार होती है, किन आधारों पर तैयार होती है, नीचे इनमें से चार पांच आपको दे देगा, इनमें से कौन शामिल है इसमें, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यह डिस्टेंस टू फ्रंटियर, जिसे आप लोग डीटीएफ कहते हैं, स्कोर के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में अर्थव्यवस्थाओं के बीच के अंतर को उजागर करता है। उदाहरण के लिए 75 के स्कोर का अर्थ है कि एक अर्थव्यवस्था सभी अर्थव्यवस्थाओं और पूरे समय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तय सीमा से 25% अंक दूर है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 75 यानी कि 100 में कितना टाइम बचा हुआ है, तो 25% अंक कम है ना, उसी की बात की जा रही है। और भारत की अगर हम लोग प्रदर्शन की बात करें पिछले सालों की, तो विशेष रूप से आप 2017, 18, 19 में जारी तीन रिपोर्टों में भारत सबसे उल्लेखनीय सुधार दिखाते हुए 10 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पाने में सफल रहा है। यानी कि भारत की काफी अच्छी सुधार होता आया हुआ है। इसमें आप देख भी सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में 190 देशों भाग लेते हैं, यानी कि टोटल 190 देशों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाता है। और इस रैंकिंग में आप देखेंगे भारत 2014 में 142वें स्थान पर था और उसके बाद सुधार हुआ और 2015 में 130वें स्थान पाया है और 2017 में 100वें स्थान पर आया, 2018 में 77वें और 2019 में 63वें नंबर पर भारत रहा। 190 में आप देख सकते हैं कि 63 नंबर पर भारत आ गया। इसे इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए 190 बच्चे हैं आपके स्कूल में और उनकी रैंकिंग की जाती है, और मान लीजिए कि आपका नंबर 63वें नंबर पे है,
तो उसी तरह से भारत को भी यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपने देखा होगा कि जो करंट गवर्नमेंट है आपकी बीजेपी, इन्होंने काफी इसकी वाहवाही भी लूटी हुई है। आपने देखा होगा जब भी इंडेक्स आता था, सूचकांक आता था, और वो कहने लगते थे कि हमारी, देखिए हमारी सरकार में सुधार हो रहा है। तो ये आप लोग इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अक्टूबर 2019 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें स्थान पर रखा गया था, और भारत ने अन्य शीर्ष सुधारकर्ताओं के साथ वर्ष 2018-19 में 59 नियामक सुधारों को लागू किया था, जो विश्व में दर्ज सभी सुधारों का पांचवा हिस्सा था। और वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना, सीमाओं पर व्यापार और दिवालियापन का समाधान जैसे मापदंडों में भी सुधारों को लागू किया था। और सरकार का लक्ष्य 2022-2020 तक शीर्ष 50 अर्थव्यवस्था में शामिल होना था, लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं की गई, तो हमें मालूम भी नहीं चल पाया कि हम लोगों ने सुधार किया है या नहीं। भारत के लिए यह स्कोर केवल दो शहरों के कवरेज पर आधारित होता था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई 47% और दिल्ली को 53% भार यानी कि वेट दिया जाता था। सीधी सी बात आप लोगों को समझ में आई? इसमें आपका मुंबई और दिल्ली को ही ध्यान में रखा जाता था। भारत का जो स्कोर बनता था वो दिल्ली और मुंबई के भार से ही एक तरह से इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता था। पूरे देश के शहरों से कुछ नहीं, डाटा नहीं लिया जाता था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में वैसे हम लोग बात तो कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। और इसे वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक में स्थापित किया गया था, और IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में आप लोग जानते हैं, जिसे आप लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि तो इसके फुल फॉर्म को भी याद रखिए। कई बार आप देखते हैं कि बैंक के एग्जाम जो होते हैं उनमें भी पूछ लेता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। कभी कभी उच्चारण में बड़ा प्रॉब्लम होता है, इस तरह के कई शब्द आ जाते हैं, आपको भी होता होगा। एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। और विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाली स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। अगर आपसे कोई पूछे विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग एक लाइन में बता सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिक हेल्प देना, इसका मेन उद्देश्य है। और एक और याद रखिएगा, इसका सिद्धांत भी कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का सिद्धांत क्या है या विश्व बैंक का सिद्धांत क्या है, तो याद रखिए इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी, ठीक है, इसका सिद्धांत है। और आपको बता दूं कि इसमें आप सभी जानते हैं कि 189 देश शामिल हैं, और इसमें भारत भी देश शामिल भी है। और आपको ये भी याद रखिएगा कि जिस संस्था में भारत सदस्य है उसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसकी अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें, तो एक बार आप लोग मुख्यालय का भी दर्शन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद बना रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी, और इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा एशिया में प्यारा भारत, और अपने पड़ोसियों को देखेंगे तो ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ आप देखेंगे भूटान, ऊपर आपका चाइना, नेपाल, और यहाँ देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ से आप जाएंगे तो USA यानी कि अमेरिका जाएंगे आप लोग, अमेरिका जाएंगे यहाँ आप लोग, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स। तो यही आप लोगों को इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वॉशिंगटन। देखिए ये आपका वॉशिंगटन,
यूएसए में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग रिपोर्टों की बात करें, क्योंकि आपको पहले भी बात कर चुका हूं कि रिपोर्टों से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, तो इसमें एक तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो आपके सामने भी है वैसे, कि एक आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, दूसरी है आपकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तीसरी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक है आपका ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, एक है आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, एक है आपकी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन सभी को याद रखिएगा। कई बार क्या कहता है कि ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, या फिर आपको दे देगा, एक दे देगा और इस तरह का कोई क्वेश्चन बना लेगा, या फिर आप लोगों से सिविल सर्विस में पूछता है तो इस तरह से पूछ लेता है, इनमें से कौन कौन सी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तब भी आप लोगों को ये याद होंगी तो आराम से आप उनका आंसर दे पाएंगे। और जैसा कि आप सभी को बताया कि विश्व बैंक के प्रमुख पांच आपके विकास संस्थान भी हैं, इन्हें भी एक एक करके देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे आप लोग IBRD भी कहते हैं, इसका काम क्या है कि यह लोन ऋण और अनुदान प्रदान करता है। और इसमें दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जिसे आप लोग IDA कहते हैं, यह निम्न आय वाले देशों को कम या फिर बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे आप लोग IFC कहते हैं, यह कंपनियों और सरकारों को निवेश सलाह और परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। चौथा है आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और पांचवा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसे आप लोग ICSID कहते हैं, और यह निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश विवादों की सुलह मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, और भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और विश्व बैंक का भारत सदस्य है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, याद रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो यही आपकी ईज ऑफ लिविंग की कहानी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। हो सकता है आपका क्वेश्चन आता रहे इससे और पूछ ले। एक बार तो आपने शायद देखा होगा UPPCS की, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर प्रीलिम्स की बात कराऊं देखे होंगे, तो उसमें आप देखिए कि पुराने साल का पूछ लिया था। आप सोचिए कि एक तरह से 2 साल पुराना भी पूछ लिया था। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखा करिए, ठीक है।